स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आइए देखते हैं 10 नवंबर 2017 के करंट अफेयर्स। तो हमारा सबसे पहला करंट अफेयर्स है भारत यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में बोर्ड में चुना गया, मतलब इलेक्टेड हो गया। ठीक है, सो क्या है कि भारत यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुना गया। ठीक है, सो इसमें करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ये कब चुना गया बेसिकली। सो ये 39th जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ, 39 जनरल कॉन्फ्रेंस किसका, यूनेस्को का। ठीक है, यूनेस्को का 39th जनरल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ, पेरिस। ठीक है, तो उसके दौरान ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड का एक मेंबर चुना गया। सो इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में टोटल कितने मेंबर होते हैं, सो टोटल आपका 58 मेंबर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और यही जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है ये यूनेस्को की टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ठीक है, सो अब आइए देखते हैं कि यूनेस्को जो है ये बेसिकली यूएन की कल्चरल एजेंसी है। ठीक है, यूएन की कल्चरल एजेंसी है और इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूएन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये फाउंड हुई थी 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, और जो है इसका जो मोटो है वो है बिल्डिंग, ये कई एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस यूएन ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है, सो बिल्डिंग पीस इन द माइंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन। हमारा दूसरा करंट अफेयर्स है प्राइस स्टेबिलाइजेशन। ठीक है, फंड मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड मैनेजमेंट कमेटी ने डिसीजन लिया है क्या, कि चूंकि अभी हाल में ही देखा आपने कि प्याज के दाम बहुत बढ़ गए हैं, सो इट इज डिसाइडेड टू इम्पोर्ट ओनियंस थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है, थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है प्राइजेस को मॉडरेट करने के लिए। ठीक है, मॉडरेट प्राइजेस। ठीक है, इसको मॉडरेट करने के लिए डिसीजन लिया है। तो अब इसमें करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट एजेंसीज कौन सी हैं जिनको ये मतलब कि ठेका दिया जाएगा। तो पहला आपका नाफेड, ठीक है, नाफेड, और दूसरा है आपका SFAC यानी स्टेट एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। सो नाफेड जो है इसको अलाउ किया है 10,000 मेट्रिक टन इम्पोर्ट करने के लिए, और ये जो है 2,000 मेट्रिक टन इम्पोर्ट करेगी। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं कि ये प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड मैनेजमेंट कमेटी क्या है। ठीक है, सो प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड मैनेजमेंट कमेटी जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये क्या है कि बेसिकली एक प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड है। ठीक है, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ठीक है मूल्यों में मतलब कि संतुलन रखने के लिए एक फंड है। ठीक है, जो भी दाम बढ़ रहे हैं उनमें उसको स्टेबिलाइज करेगी। तो ये जो है सबसे पहले जो है आपका 2003 में आई थी, ठीक है, और ये फिर 2013 में बंद हो गई थी। तो ये 2003 में ये किस लिए आई थी, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स थे उनको बढ़ावा देने के लिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्रॉप्स को के लिए आई थी, मतलब कि जो भी क्रॉप्स जो कि एक्सपोर्ट के लिए पैदा किए जा रहे हैं। ठीक है, सो उनके लिए 2003 में आई थी और ये 2013 में बंद हो गई थी। सो इस प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड के मैनेजमेंट के लिए ये मैनेजमेंट कमेटी जो है बैठती है। तो दूसरी बार जो प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड आया, ये दूसरी बार जो आया 2015 में। ठीक है, ये यूनियन बजट 2014-15 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था, बजट 2014-15 में।
ठीक है, और इसका ये एग्जिस्टेंस में आई आपका 27 मार्च 2015, ठीक है, 27 मार्च 2015 को एग्जिस्टेंस में आई, और इसका जो टोटल कॉर्पस था वो कितना था, ₹500 करोड़, ठीक है, ₹500 करोड़ का टोटल कॉर्पस। और इस बार जो प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड जो है 2015 में आई, ठीक है, उसका जो ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका ऑब्जेक्टिव था कि एग्री हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है, यानी कि जैसे जो भी पेरिशेबल्स, ठीक है, पेरिशेबल एग्री हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में जो प्राइसों में जो भी वोलेटिलिटी आएगी उनमें जो है स्टेबिलाइजेशन लाने के लिए ये 2015 में ये वाला फंड आया, ठीक है, ये है, ये याद रखना आपको, पेरिशेबल एग्री हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में प्राइस स्टेबिलाइजेशन के लिए 2015 वाला ये फंड आया। अब ये प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड के बेसिकली किसके तहत, मतलब किसके अध्यक्षता में होता है, तो ये कंज्यूमर सेक्रेटरी के, ठीक है, कंज्यूमर सेक्रेटरी, ठीक है, उपभोक्ता सचिव के अध्यक्षता में ये कमेटी काम करती है। हमारा तीसरा है कि आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है, मतलब कि सारे बैंक्स को कहा है, इट हैज़ आस्क्ड, ठीक है, ऑल बैंक्स टू प्रोवाइड सर्विसेज टू सीनियर सिटीजन्स एंड दिव्यांग, ठीक है, टू प्रोवाइड डोर स्टेप, सॉरी। तो इसमें मतलब कि ज्यादा जानने वाली चीज नहीं है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सारे बैंक्स को एक डिक्टेट किया है कि जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन्स जो है, जैसा कि हम 60 साल से ऊपर पकड़ते हैं, लेकिन आरबीआई ने कहा है जो भी 70 साल से ऊपर है, ये एज फैक्टर याद रखना, ठीक है, सो जो भी 70 साल से ऊपर है और जो दिव्यांग यानी कि जो भी डिफरेंटली एबल्ड या मतलब कि डिसेबल्ड है, ठीक है, उनके लिए हर एक बैंक जो है डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो वो सर्विसेज जैसे क्या है कि जैसे सेविंग अकाउंट खोलना है या पैसे जमा कराने हैं, ठीक है, ऐसी कुछ मतलब कि जो सर्विसेज हैं तो वो सारे बैंक्स इनको प्रोवाइड करेंगे। और कब तक उसका डेट है, उसका डेट है 31 दिसंबर 2017 तक, ये काम इन्होंने कर लेना है सबने। हमारा चौथा करंट अफेयर्स है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है, हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, रामनाथ कोविंद लॉन्चेस बिहार कृषि रोडमैप 2017 से लेकर 22 तक, ठीक है। सो रामनाथ, हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी बिहार के दौरे पे थे, तो इन्होंने ये 9 नवंबर 2017 को, ठीक है, बिहार कृषि रोडमैप लॉन्च किया। और ये बिहार कृषि रोडमैप जो है, ये बिहार का तीसरा रोडमैप है, ये एग्रीकल्चर रोडमैप, ठीक है, ये तीसरा है, थर्ड वन है, ठीक है। तो इसके तहत क्या है कि इसके तहत कुछ मुख्य बातें हैं जो हमें याद रखनी है, कुछ मुख्य हाइलाइट्स इस बिहार कृषि रोडमैप के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, ये 5 सालों के अंदर यानी 2017 से 22 के बीच में ये लगभग 1.5 लाख करोड़, ठीक है, 1.5 लाख करोड़, ठीक है, रुपये का ये पूरा टोटल रोडमैप है। दूसरा, इसका रोडमैप का सबसे जो मेन पॉइंट है कि इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेगा, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैव कृषि को ये प्रमोट करेगा, ठीक है। तो ये जो है जैव कृषि को, तो अभी एट प्रेजेंट अगर हम जानते हैं तो केवल पूरे भारत में, ठीक है, सिक्किम ही ऐसा राज्य है जो कि पूरा एक ऑर्गेनिक स्टेट है, ठीक है, सिक्किम ऐसा राज्य है जिसको ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा मिला था। कब मिला था, 2016 में। तो बिहार भी उसी राह पे चलना चाहता है, 2022 तक एक ऑर्गेनिक स्टेट बन जाना चाहता है, ठीक है। अब इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत क्या है, ये कैसे अचीव करेगा, पहला ये इसने प्रपोज किया है कि एक ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाएगा, ठीक है, ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाएगा। और दूसरा, इनपुट सब्सिडी देगा फार्मर्स को, जैसे कि फर्टिलाइजर वगैरह पे ये सब्सिडी देगा। सो ये ऑर्गेनिक कॉरिडोर कहाँ बनेंगे, तो ये गंगा के दोनों बाजू में, और जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग है सो उनके दोनों बाजू में ये कॉरिडोर बनेगा। तीसरा पॉइंट है कि आपका ये रेनबो रेवोल्यूशन असर करेगा, ठीक है, रेनबो रेवोल्यूशन। सो रेनबो रेवोल्यूशन जो है,
जितने भी इंडिया में रेवोल्यूशन चल रहे हैं, जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन है या ब्लू रेवोल्यूशन है, ठीक है, जो फिश से संबंधित है या दूध से संबंधित है, या आपका ग्रीन रेवोल्यूशन है, उन सबको मर्ज करके एक रेनबो रेवोल्यूशन इसको अशर करेगा। इसका पांचवा पॉइंट है कि किशनगंज में, ठीक है, किशनगंज बिहार में, ठीक है, किशनगंज बिहार में ये फिशरीज कॉलेज खोलेगा। एक इसमें प्लान किया है कि एक फिशरीज के लिए कॉलेज खोला जाएगा, कहाँ, किशनगंज बिहार में। सो ये बिहार का पहला फिशरीज कॉलेज होगा। इसके अलावा जो मुख्य पॉइंट है वो क्या है कि आपका कि 8 लाख हेक्टर 2022 तक, 8 लाख हेक्टर 2022 तक इरिगेशन कवर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये सो ये हमारे मुख्य बिंदु थे। हमारा पांचवा है कोलकाता खुलना बंधन एक्सप्रेस, इसको फ्लैग ऑफ किया गया, ठीक है। सो कोलकाता खुलना बंधन एक्सप्रेस, ठीक है, सो ये कोलकाता से चलेगी और खुलना तक जाएगी, कहाँ, ये बांग्लादेश। तो खुलना कहाँ है, बांग्लादेश में है, खुलना बांग्लादेश में है, ठीक है। तो इसको लॉन्च, इसको फ्लैग ऑफ किसने किया, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपका, हमारी फिर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना, ठीक है, और जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। तो इन तीनों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 9 नवंबर को बंधन एक्सप्रेस को लॉन्च किया। और ये जो है ट्रेन आपकी हर एक थर्सडे को चलेगी, ठीक है। तो ये जो बंधन एक्सप्रेस है ये दूसरी ट्रेन है, पहली जो थी भारत बांग्लादेश के बीच में वो थी मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है, मैत्री एक्सप्रेस जो कि 2008 में आई थी। हमारा छठवां है राष्ट्रीय नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड 2017, ठीक है। सो नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड 2017 ये दिए गए, ये कब दिया गया, ये 9 नवंबर 2017 को दिया गया। कितने लोगों को दिया, ये डिफरेंट कैटेगरीज में 15 लोगों को दिया गया है, ठीक है, 15 persons को। सो इन अवार्ड कैटेगरीज को जानना है तो हमारे मतलब कि वेबसाइट पे जो हमारा ऑनलाइन तैयारी का करंट अफेयर्स का है उस पर आप इन 15 persons के नाम देख सकते हैं। सो ये 15 लोगों को डिफरेंट कैटेगरीज में दिया गया है, ठीक है। अब ये इसमें जानने वाली क्या बात है कि जो नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड है ये जो है ये कब आया, ये 2016 में आया, और इसको कौन सुपरवाइज करता है, ये आपका जो स्किल, ठीक है, डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है इसने लॉन्च किया था 2016 में। सो 2017 वाला क्या है, ये सेकेंड एडिशन है, ठीक है। तो इसके तहत क्या है कि दो तरीके के अवार्ड है, पहला है कि 5 लाख, दूसरा है 10 लाख, यानी कि जो इंडिविजुअल होगा और एंटरप्राइजेस, ठीक है, इंडिविजुअल या एंटरप्राइजेस, ठीक है, उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे और 10 लाख किसको मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को या इंस्टीट्यूट को, इंस्टीट्यूट को, ठीक है। सो ये किनको मिलेगा, ये उनको मिलेगा जो भारत के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। सो उनको ये अवार्ड मिलेगा, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड 2017। हमारा सातवां है कि चाइना यूएस इंक $250 billion ट्रेड डील, ठीक है। सो इसमें करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई वैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस सवाल ये पूछा जा सकता है कि अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर $250 billion का ट्रेड डील साइन किया, तो वो है चाइना, या चाइना ने किसके साथ किया, तो वो है अमेरिका। सो ये कब साइन हुआ, ये जी जिनपिंग जो कि चाइना के राष्ट्रपति हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ये चाइना के अपने मतलब जब से वो राष्ट्रपति बने, ये चाइना का उनका पहला दौरा है, तो वो उस विजिट के दौरान ये जो है $250 billion का ट्रेड डील साइन हुआ है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि टेस्ला कार का मैन्युफैक्चरिंग करना, या फिर आपका मतलब कि और भी बहुत सारे ट्रेड डील है, ठीक है, जो इसके तहत कवर्ड है। हमारा आठवां है फेडरल बैंक ओपन्स ब्रांच इन
कुवैत सिंगापुर, कुवैत एंड सिंगापुर, ठीक है। सो इसमें फेडरल बैंक जो है इसने कुवैत और सिंगापुर में अपना ब्रांच खोला है, ठीक है। तो ये कब खोला है, जब आरबीआई ने इसको परमिशन दे दिया है, ठीक है। इसने पहले आरबीआई से परमिशन मांगा था ब्रांच खोलने का। सो कुवैत कहाँ कहाँ खोला है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कुवैत और सिंगापुर, ठीक है। किसने खोला है, फेडरल बैंक ने। इससे पहले जो इसका ब्रांच था कहाँ, अबू धाबी, ठीक है, और दुबई में। इससे पहले इसने अपने ब्रांचेस खोले थे अबू धाबी और दुबई में, ठीक है, यहाँ खोले थे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि फेडरल बैंक, ठीक है, फेडरल बैंक जो है आपका 1945 में आई थी, ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और इसका हेडक्वार्टर जो है अलुवा, अलुवा कोची केरला में है, कोची केरला में, ठीक है। और इसके एट प्रेजेंट सीईओ कौन है, ये श्याम श्रीनिवासन है, श्याम श्रीनिवासन। हमारा नवा है इकरा, इश्यूज रिस्क अलर्ट, ठीक है, रिस्क अलर्ट, काउंट ऑफ इंक्रीजिंग क्रेडिट प्रोविजनिंग, सो इकरा जो है, इकरा क्या है, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है भारत की, ठीक है, जो कि समय समय पे रिस्क अलर्ट, मतलब रिस्क अलर्ट जारी करती है, कि कहने में किन के लिए जारी करती है, जो इन्वेस्टर्स हैं या जो भी बिजनेसमैन है उनके लिए रिस्क अलर्ट रहता है कि जो एट प्रेजेंट बैंकिंग सिचुएशन है या क्रेडिट का सिचुएशन है भारत के अंदर कैसा है। तो उसने रिस्क अलर्ट जारी किया है नियर टर्म के लिए, उसने एक कंसर्न जताया है कि हाँ भाई इंडिया की जो बैंकिंग सिस्टम है या क्रेडिट में, मतलब कि क्या बोलते हैं, लॉसेस की संभावना है, ठीक है। मैक्सिमम उसने कहा है कि जो अभी जो ये क्वार्टर है आपका जून से लेकर सितंबर का क्वार्टर, ठीक है, जून से लेकर सितंबर 2017 का क्वार्टर है, तो उसने ये कहा है कि नॉर्मली बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि लॉसेस रिपोर्ट करेंगे। क्यों रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो क्रेडिट, मतलब जो कि मतलब कि डेट सर्विसिंग है, ठीक है, जो भी मतलब कि मान लो कि जैसे मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया, मैंने सेविंग किया हुआ है, मेरा एफडी तोड़ने वाला है, ठीक है, सो उस एफडी के प्रोविजनिंग के लिए, सो कहने का मतलब ये क्रेडिट प्रोविजनिंग या इसे बोल दीजिए डेट सर्विसिंग, ठीक है। सो वो जो इंक्रीज होगा, ठीक है, उसके चलते जो लॉसेस होंगे और प्लस जो आपका मतलब कि जो एनपीएस राइज हो रहे हैं उसके चलते इसने नियर टर्म में कंसर्न रेज किया है। अब इसमें जो है इकरा जो है इसको जान लेते हैं कि इकरा क्या है, ये आपका है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एंड इंफॉर्मेशन क्रेडिट रजिस्टरिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये कब आई थी, ये 1991 में आई थी, ठीक है, 1991 में, और इसके एट प्रेजेंट सीईओ कौन है, नरेश ठक्कर है, नरेश ठक्कर। हमारा दसवां करंट अफेयर्स है कि आरबीआई ने, आरबीआई आस्क एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो है एनबीएफसीज, टू बी ऑन अलर्ट कंसर्निंग, ठीक है, एक्टिविटीज रिलेटेड टू आउटसोर्सिंग, ठीक है। सो आरबीआई ने जो नॉन बैंकिंग, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनीज है उनको एक मतलब अलर्ट रहने के लिए कहा है कि जो भी आप एक्टिविटीज आउटसोर्स कर रहे हैं तो उसके खिलाफ आप मिनिमम जो है सेफगार्ड्स अपने पास बिल्ड कर लें, सो दैट कि आगे चल के ना तो कस्टमर को दिक्कत हो और ना आपको दिक्कत हो, ठीक है। तो इसमें मेन जो है कि एनबीएफसीज क्या है बेसिकली, ठीक है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, ठीक है, जो कि बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, चूंकि ये कंपनीज है तो ये इसलिए कंपनीज एक्ट 1956 के तहत ये रजिस्टर होते हैं, ठीक है, कंपनीज एक्ट 1956 के तहत ये रजिस्टर होते हैं। तो यहीं पे फंडामेंटल डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि जो भी बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स है, ठीक है, वो जो है
मतलब कि आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बेसिकली वो रजिस्टर होते हैं, ठीक है। तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं। सो इनका जो है मेन बिजनेस ही क्या होता है कि लोन्स या एडवांसेस या डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, और इनका जो प्रिंसिपल बिजनेस है वो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। अब जान लेते हैं कि बेसिकली प्रिंसिपल बिजनेस क्या होता है इसमें, ठीक है। प्रिंसिपल बिजनेस, ठीक है, एनबीएफसी का प्रिंसिपल बिजनेस ये होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट एक्सेप्टेंस, ठीक है, ये इनका प्रिंसिपल बिजनेस है। तो ये क्या है, अगर उसके टोटल फाइनेंशियल एसेट्स का, किसी भी कंपनी के टोटल फाइनेंशियल एसेट्स का, ठीक है, 50% एसेट, ठीक है, फाइनेंसेस में है, और 50% जो उन मतलब फाइनेंशियल एसेट्स जो इनकम आ रहा है, ठीक है, सो अगर वो ग्रॉस इनकम को 50% कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है, यानी कहां से, यहां से जो इनकम आ रहा है, ठीक है, अगर ग्रॉस इनकम का 50% है यहां से जो इनकम आ रहा है, तो वो प्रिंसिपल बिजनेस कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर्स हम यही समाप्त करते हैं। हमारा करंट अफेयर्स कैसा लगा हमें फीडबैक दीजिएगा, और हमारे ऐसे ही करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।